Rajni Patil. Rahul ji sangharsh karo. Abhi se Congress party. Modi Adani. Bhai bhai. Modi Adani. Bhai bhai. JPC gathit karo. Gathit karo. Gathit karo. JPC gathit karo. Gathit karo. Gathit karo. Modi Adani. Bhai bhai. Modi Adani. Bhai bhai. Modi Adani. Bhai bhai. JPC gathit karo. Gathit karo. Gathit karo. JPC gathit karo. Gathit karo. Gathit karo. Modi Adani. Bhai bhai. Ek hi maqsad hai jo Rahul Gandhi ji ko पार्लियामेंट वोट से डिसक्वालीफाई किया गया है। इसका कारण हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि उनको डिसक्वालीफाइड वोट से पार्लियामेंट से क्यों किया गया है। राइट टू फ्रीडम, राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू लिबर्टी, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कहाँ है ये हमारे राइट्स? ये सरकार क्या करने जा रही है? ये हम लोगों को परेशान करके रख दिया हुआ है। ये लोग आज सवाल पूछेंगे इस सरकार से, ये हमारे राइट्स हैं, हम ये कभी भी माफ करें, कभी भी हमारी देश की जनता ऐसी सरकार को माफ नहीं करेगी, जड़ से उखाड़ के इनको फेंक दे। धन्यवाद। बहुत सुविधा दे रही है। आज जेड़े लोगों के घर भी बने रहे, वो भी उनके बोला गुस्से कर दे, जमीन ना गुस्से कर दे, आज रोड पर चलना टैक्स भी नहीं बताओ गया, तो दे दे पर टैक्स लाओ गया। मेरी तो लोग आप लोगों के संगठन के साथ साथ जिस दल से राहुल गांधी जी के आवाज को दबाने का प्रयास किया, उतनी ही ताकत से सारा विपक्ष इकट्ठा हो गया और राहुल गांधी जी के सुर के साथ अपना सुर मिलाने शुरू हो गई। ये भी हमारी बढ़ती हुई ताकत राहुल जी की है। उनके शान शौकत के माध्यम से आज मंडल हो, भार हो, प्रदर्शन हो रहे हैं जिस दल से हिंदुस्तान में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। और हम सब महसूस करते हैं यहाँ पे तो लोकतंत्र की हत्या हुई थी, कुछ चुनाव से हम और ऐसा होना चाहिए था कि जब अपोजिशन लीडर किसी चोर के खिलाफ उंगली उठाए तो गवर्नमेंट को एक्शन में आके उन चोरों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और जो गरीबों का पैसा बैंकों में था, जो नेहरू मोदी और ललित मोदी पूरे हिंदुस्तान का पैसा लूट के बाहर के मुल्कों में चले, एक्शन उन पे करना है। और ये बात याद रखना, मैं आपको ओरिजिनल बात कहूंगा कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा लोकप्रिय अगर कोई है, ये जो चुटले आपको मोदी मीडिया सिखा रही है, सुना रही है, वो नरेंद्र मोदी नहीं है, वो राहुल गांधी है। तो ये बदला जो आपने भारत जोड़ो यात्रा में देखा, क्या कांग्रेस को दिया, इसके कारण मोदी जी बिल्कुल मुक्त ला रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने हमने देखा। जब पार्लियामेंट में हमने सवाल उठाना चाहा, हमारे खड़गे साहब ने राज्यसभा में हमारा उठाया और राहुल जी ने लोकसभा में उठाया 7 फरवरी को। उनका स्पीच जब हो रहा था, बार बार उनको रोकने की कोशिश की गई, मैं वहां पे खुद मौजूद थी कि आपका और अडानी का क्या संबंध है, क्या रिश्ता है। एक बार अगर राहुल जी बात करते, एक बार अगर वो बोलते थे कि मेरा अडानी के साथ कोई रिश्ता नहीं है तो हमें खत्म कर देते थे, लेकिन वो चुप रहे। जम्मू कश्मीर को बीजेपी ने, आरएसएस ने बर्बाद कर दिया। आप देख लीजिएगा 2019 को जब अमित शाह जी पार्लियामेंट में उठे थे 370 को हटाने के लिए और स्टेट को, रियासत को यूटी बनाने के लिए, और इसी रियासत को जब दो हिस्से उन्होंने किए, उस वक्त उन्होंने बड़े ख्वाब दिखाए थे, यहाँ एम्प्लॉयमेंट होगी, इंडस्ट्रीज आएगी, डेवलपमेंट होगी, बहुत कुछ होगा, प्लांटिंग होगा। अब 4 साल हो गए, 4 साल में रियासत बर्बाद हो गई। पिछले 9 सालों से लोगों का कोई चुना हुआ नुमाइंदा नहीं है, असेंबली नहीं है, डिजॉल्व्ड है सारा सिस्टम, स्टेट छीन ली गई, एक आदमी जो है स्टेट को चला रहा है। मुझे बताओ, आम लोग सेक्रेट जाएं कोई पूछने वाला नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट का इतना बड़ा रेट जो है बढ़ गया है कि हमारी स्टेट हरियाणा के बाद दूसरे नंबर पे रेशियो में 33% पे अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो में पहुंच गई।
तो बड़े अफसोस की बात है, दुख होता है जब हम डेली वेजरों को सड़कों पे देखते हैं, जब हम काले कानून प्रॉपर्टी टैक्स जैसा जो कानून इनने लगाया और जगह जगह बीजेपी प्रचार कर रही है या आपके फायदे के लिए है, लोगों के जेब इन्होंने खत्म कर दिए, गरीबों को खत्म कर दिया, और आप गरीबों को खत्म करने के बाद बेरोजगारों को खत्म किया। बेरोजगारी की हद है इस जम्मू कश्मीर। कभी यही लोग बोलते थे हम 1,00,000 नौकरियां देंगे, कभी यही इनका गवर्नर बोलता था हम 50,000 नौकरियां देंगे, आज का गवर्नर बोलता है मैं 10,000 नौकरियां दूंगा, वो भी कहीं नहीं, बर्बाद कर दिया, स्कैम पे स्कैम। और बोल रहे हैं कि जम्मू कश्मीर चमक रहा है तो वहां डेवलपमेंट हो रही है, शर्म करनी चाहिए। संसद में भी, रोड में भी, और अब कोर्ट में भी, जिस प्रकार से राहुल गांधी कोर्ट में गए हैं, क्या लगता है किस प्रकार की हमारे लोगों को रखते हैं? हमें ज्यादा उम्मीद सरकार से रखती नहीं, इसलिए तो हम जनता को समझा रहे हैं, और मुझे लगता है जनता चाहते हो चुकी है किस तरह से लोगों का रिस्पॉन्स मिल रहा है, मुझे लगता है इसके सहारे हम।